मुबारक दिन है जिसमें हर साल की तरह इस साल भी सुन्नी जमीयतुल उलमा ऑल कर्नाटका मिलाद की महफिल मुनक़द किए हैं और तकरीबन सुन्नी जमीयतुल उलमा एक 45 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से 45 ईयर से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता आ रहा है। और इससे पहले हज़रत खुदू साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईदगाह है, जो बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्राउंड है बेंगलोर सिटी में, यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा था। तो इस बार गिवन द पैंडमिक सिचुएशन, उसके वजह से हम लोग थोड़ा कर्टेल करके ऑन अ स्मॉल स्केल मस्जिद खादरिया के अंदर इस बार हम लोग जलसा मुनक़द करके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तमाम कोविड गाइडलाइंस, जो प्रोटोकॉल्स ले डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। और जितने भी जुलूस इस जलसे में शिरकत कर रहे थे बेंगलोर सिटी से, जो शहर के दीगर मरहलों से आके यहाँ पे जमा होते थे, तो उनको जुलूस सब हम लोग इस बार अवॉइड कर हैं और वहीं पे अलम खुशाई करके एरिया वाइज वहीं लोकल मस्जिद में इसी तरह के जलसे मुनक़द किए गए हैं। तकरीबन 80% ऑफ बेंगलोर के मस्जिदों में ये जलसा मुनक़द किया गया है। इसके साथ साथ मदरसों में भी हुआ है और खानखाहों में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी आज मनाया जा रहा है। प्रोग्राम छूटा तो नहीं है, प्रोग्राम तो बिल्कुल हुआ है। जो खुले मैदान में होता था वो अभी मस्जिद के अंदर हुआ है। देखिए, पिछले कई महीनों से जो हालात गुजर रहे हैं सारी दुनिया पर, ना सिर्फ बेंगलोर पर और हमारे हिंदुस्तान पर, सारी दुनिया पर जो हालात गुजर रहे हैं, उन हालात को समझकर जितने एहतियात करने होने थे वो सभी एहतियात तो हुए हैं। आपको मालूम है ईद की नमाज़ भी जो है ईदगाहों में नहीं हुई हैं, बहुत से फ़राइज़ नमाजों भी मस्जिदों में नहीं हुए। जैसे हालात हैं उनको जो है बेहतर समझकर हम लोग को जितना एहतियात करना है वो किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समझ तो आज का जो प्रोग्राम जो मिलाद का जलसा मस्जिद में हुआ है बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में हुआ है और अच्छा पैगाम जा रहा है यहाँ से। नहीं, सभी कमेटियाँ जो हैं अपने अपने हदों तक जो है अपने जो वॉलंटियर्स हैं जो जलसों में निकलते हैं, चाहे जुलूस के शक्ल में जो निकलते थे, उनको जो है पूरे तौर से कंट्रोल में किए हैं और पैगाम ये दिए हैं कि आज के हालात में जो है ये करना मुनासिब नहीं है। देखिए, आज के नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि जोश जो है वो अपनी जगह होता है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत जो होती है उसमें ये समझना चाहिए कि जब तक कि हम हुजूर के सुन्नतों को और उनके अल्फाज को, उनके अंदाज़ को, उनके अखलाक को नहीं अपनाएंगे, हम मुकम्मल जो है हुजूर के मोहब्बत में मुबतला नहीं हो सकते। तो हमारे अखलाक का तकाजा आज यही है कि जो प्रोटोकॉल्स जो ज़रूरी हैं तो उनको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको मानना पड़ेगा और उसी के तहत जो जलसे कर सकते हैं मुख्तसर उसको करना पड़ेगा। अभी जो एहतियात करना है करके माशाल्लाह जलसा तो हो रहा है, मगर पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क़ानून के तहत सब चीज़ का लिहाज रखते हुए काफ़ी, वरना तो जब ग्राउंड में होता था तो बहुत मजमा होता था, अभी हर मोहल्ले में मजमा हो, अपना अपना प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा ये नहीं है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा प्रोग्राम तो शाम से चल रहा है, अभी थोड़ी देर में ईशा की नमाज़ होगी और हसबे मामूल चले जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पैनाडेमिक है उसको समझना चाहिए हमारी हॉल, और जो मास्क इस्तेमाल है उसका सही माना नहीं समझ रहे हैं। पहले तो सबको ज़रूरी है कि अच्छी तरह से मास्क का मसला समझ जाएं, कि मसला आपके लिए है, खुद के लिए बेहतर है कि आप सब मास्क पहने रहें, मस्जिद में आएं या कहीं और जाएं, कहीं भी जाएं, गाड़ी चलाएं, तो पूरे एहतियात के साथ काम करें। पूरे कौम के लिए ये मेरा पैगाम है। ये तो गलत है जो हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो इसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार होंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है गवर्नमेंट के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, किसी और के पुलिस के लिए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग हम खुद अपनी हिफाजत के लिए करना चाहिए। Yeah।